नमस्कार दोस्तों, बोल्डस्काई में आपका स्वागत है। मांसपेशियों में खिंचाव हो या मोच हो या फिर मासिक धर्म में ऐंठन, गर्म पानी की बोतल दर्द को काफी हद तक शांत करने में मदद करती है। यही वजह है कि कई बार लोग राहत के लिए इस दवा मुक्त तकनीक पर भरोसा करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि गर्म पानी की ये बोतल बेहद काम आती है, लेकिन कई लोग इससे होने वाले नुकसान के बारे में नहीं जानते हैं। तो आइए जानें गर्म पानी की बोतल से जुड़े नुकसान क्या क्या हैं। जब रोगी दर्द से राहत पाने के लिए गर्म पानी की बोतल का उपयोग करते हैं तो वो अक्सर बोतल को अपने वजन से दबा देते हैं। इससे कई बार बोतल फट जाती है, खासतौर पर अगर पुरानी हो। गर्म पानी की बोतल का इस्तेमाल करते वक्त अगर वो फट जाए तो इससे त्वचा जल सकती है और फर्स्ट या सेकेंड डिग्री बर्न्स हो सकते हैं। इसके अलावा बोतल का इस्तेमाल करते समय अगर आप सो गए तो भी आपको चोट आ सकती है। इसके अलावा ये बोतल रबड़ से बनी होती है जो वक्त के साथ खराब होती चली जाती है, इसलिए पुरानी बोतल का इस्तेमाल करते वक्त सावधानी बरतनी ज़रूरी है। एक्सपर्ट का ये भी मानना है कि जो लोग डायबिटीज़ के मरीज़ हैं और डायबिटिक फीट के समस्या से जूझ रहे हैं तो उन्हें गर्म पानी की बोतल से नुकसान पहुंच सकता है। गर्म पानी की थैली किसी मेडिकल चमत्कार से कम नहीं है, लेकिन ये कई तरह के जोखिमों के साथ भी आती है। ये एक ऐसी चीज़ है जो क्रैम्स और मांसपेशियों के दर्द से निजात दिलाती है। इसका इस्तेमाल करते वक्त कुछ बातों का खास ख्याल रखना चाहिए, जैसे कि इस रबर की थैली को उबलते हुए पानी से नहीं बल्कि गर्म पानी से भरें। सुनिश्चित करें कि इसका ढक्कन अच्छे से बंद हो। थैली को पूरा ऊपर तक ना भरें। स्किन पर सीधे तौर पर इसे ना लगाएं। इस पर तौलिया लपेटकर इसे यूज़ करें। बिस्तर पर इसे लेकर ना लेटें। हर 2 साल बाद पानी की इस थैली को बदलें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।